ये मौसम देख लो यार, मतलब पूरा कोहरा एकदम पूरा। और ये देख लो घुमाने वाला की हाल, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है क्योंकि मैं छत के ऊपर आया हूँ अभी। हेलो तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मेरा नाम है हिमांशु और पीछे से दोनों मेरे दोस्त राहुल और शुभम, जो कि आप वीडियो में देखते ही रहते होंगे। तो सुबह के 9:30 हो गया टाइम और अभी मैं जा रहा हूँ पिक्चर हॉल रामा पैलेस ऋषिकेश में, जहाँ लगी स्पाइडरमैन का आज पार्ट और काफ़ी अच्छे रिव्यू थे उससे। तो उसको देखने के लिए आज हम मॉर्निंग में जा रहे हैं। और आज सुबह धुंध इतनी पड़ी हुई है, इतना ज़्यादा क्लाउडी मौसम है कि बाहर जाने में बहुत हालत ख़राब हो रही है। तो सबसे पहले सुबह की चाय और इसी के साथ आप सभी को गुड मॉर्निंग, मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलता हूँ आपको ऋषिकेश और बीच सफर में। तो चलिए, तो सुबह सुबह की वर्कआउट शुरू हो गया है और ये देख लो मौसम, इस मौसम में ना कसम से हालत तो जरूर खराब होनी आज। और बाइक पे जाएंगे तो थोड़ी देर बाद मास्क भी पहन लेते हैं और फिर चलते हैं अब ऋषिकेश की तरफ। बहुत ज्यादा ठंडा है यार। तो भाई मौसम देख लो, हाथों की हालत खराब हो गई है। और जो चला रहा है ना गाड़ी, इसका तो भगवान यही जाने उसको क्या फील हो रहा होगा। मैं तो बीच में बैठ रखा हूँ, वैसे भी मुझे उतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है लेकिन हाथों पे लग रही है। और ये देख लो मौसम यहाँ का। और यहाँ से हमें पूरे 15 मिनट लगेंगे अभी पिक्चर हॉल जाने में। और ये देख सकते हो तुम, स्पीड भी 40+ ही है। ये है योग नगरी का रेलवे स्टेशन ऋषिकेश में। तो फिलहाल मैं तो आया था अपने मौसी लोगों को देखने यहाँ पे, क्योंकि आज जा रहे हैं घर तो मिल लिया हूँ, अब चलते हैं घर। तो ठीक है भाई, चलते हैं। वीडियो बनेगी अब क्या, ठीक है, लेट भी होनी मामा जी। तो फिलहाल तो मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे स्पाइडरमैन नो वे होम। आज देखेंगे ये वाली मूवी। हेलो तो दोस्तों यार, समय हो गया, पर 1 बज गए और 12:30 बजे शो खत्म हो गया है। और जो मूवी थी ना, पूरा पैसा वसूल, अल्टीमेट जिसके लिए बोलते हैं, 2.5 घंटे का पूरा पता भी नहीं चला। और अभी आया हूँ, मौसम तो ऐसी आज भी क्लाउडली, तो हालत ख़राब हो गई थी और इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि फिर से एक बार और चाय पी लेते हैं। हाँ, चाय भगाओ, मतलब चाय पियो ठंड भगाओ, ये वाला सीन है। और बाकी आप भी थिएटर पर जाओ, अगर आप मार्वल के फ़ैन हो तो थिएटर पर जाइए पूरा। अगर आपने पहले की मूवी भी देख रखी होगी तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि मेरे साथ जो राहुल था ना, उसने कभी मार्वल की मूवीज देखी नहीं है तो उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आया मूवी। और बीच मतलब शो के अंदर मतलब आधा घंटे के बाद कान में हेडफोन लगा के सोने लग गया था सुबह सुबह। तो अगर आपने स्पाइडरमैन की या मार्वल की कोई भी अगर मूवी नहीं देखी तो आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें चल क्या रहा है। तो मूवी तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही जानदार, ज़बरदस्त और बहुत ही मस्त है। और सबसे मेन चीज़ जो तीनों आते हैं ना स्पाइडरमैन, अरे यार मतलब वो एंट्री अलग है। तो भैया शाम की 5 बज गई है और एक और चाय कंप्लीट हो गई है अभी। और उधर देख लीजिए अभी सूरज का व्यू, वाव। जरा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो क्या मस्त वाला आ रहा है ना, एकदम गोलाकार। तो शाम की 5 बज गए, मतलब 6 बजने वाले हैं और अभी हम जा रहे हैं सब्जी लेने। तो पहले सब्जी मंडी चलते हैं, सब्जी मंडी नहीं लोकल वाले पे। ये है यहाँ पे सब्जी की छोटी सी शॉप और यहीं से हम सब्जी लेके जाते हैं अधिकतर। और ये है घुमाने वाला कि हाईवे का ट्रैफिक। सबसे मज़ेदार वाली बात ये है, आज मेरा यार जिगरी यार भी आ रहा है तो मैं उसका स्वागत करने के लिए बाहर पर खड़ा हूँ। मेरा यार नहीं आया सजना, वो कितने गया वे। तो अपने यार का भी सबरी से इंतजार है। देखो है, देखो 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 इस छगन को, देखो छगन भाई को देखो, यही रुक, यही है, यही है। ए लड़के, ए लड़के, तेरे को ये है क्या गली मोटे की, वो है वहाँ पे भाई, ये वाली भी जाती है। ये देखो मेरा छगन यार, तो चले छगन भाई। मेरा ढोला नहीं आया ढोला, मेरा ढोला नहीं आया ढोला। अभी मेरा दोस्त आया था कॉलेज का, बहुत ही परम मित्र जिसे बोलते हैं ना, वो आया था देहरादून से मुझे मिलने इधर इस ठंड में। और अभी मेरे ख्याल से 1 या 2 घंटे बाद दूसरा दोस्त भी आएगा,
जो हम मतलब कॉलेज के जो यार होते थे ना एकदम जिगरी, तो वो आने वाले हैं। एक दूसरा आने वाला हरी, उसे आपने पिछले वाली ब्लॉग में ज़रूर देखा होगा। और ये है आशु, तो इसके बाद मतलब फिर बातचीत होगी, बैठे रहेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी सालों बाद हम मिल रहे हैं। आज लगभग 2 साल तो हो ही गए होंगे, 2 साल हो गए होंगे इसको। और मेरे को मोटा तो मिलता रहता है, मोटे को भी दिखाऊंगा तुम्हें, लेकिन वो अभी ड्यूटी पे जा रखा है, तो मेरे ख्याल से 2 या 3 घंटे में आ जाएगा। तो हेलो, तो दोस्तों शाम के 8 बज गए हैं और अभी मेरा दूसरा छगन यार भी आ गया, और मिलाता हूँ आपको। हरी, आपने मेरे रिस्केस वाले ब्लॉग में से जरूर देखा होगा, और अभी आ रहे हैं 3 घंटे बाद ये यहाँ पे आशु महाराज जी। 5 बजे आ गए थे और ये अभी 8 बजे आ रहे हैं, तो बैठ के बातचीत हो रही है यहाँ पे अभी दोनों यारों की, क्योंकि ये 3 साल बाद मिल रहे हैं एक दूसरे को, ये तो मिलता रहता है मेरे को। तो 3 यारों की बातचीत आज पूरी रात भर चलने वाली है, और अपने पहले खाना खुना बना लेते हैं और इसी के साथ ब्लॉग को एंड कर देते हैं। तो हेलो, तो दोस्तों कैसे लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, और इसी के साथ वीडियो को भी एंड कर देता हूँ। मैं हूँ आपके साथ हिमांशु कलोड़ा, मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।